राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का श्लोक 30 देखते हैं। पहला चरण य, य पूरा है, य में अ मिक्स करेंगे। यदा, यदा भ पर बड़े ऊ की मात्रा लंबा खींचेंगे। भूत, जो भी मात्रा बड़ी होती है उसको आपको उच्चारण में अधिक समय देना होता है। भूत, पूरे त में अमिक्स किया। प के नीचे री की मात्रा आप इसको राइट साइड में देखेंगे, प्री, यानी प आधा है। और जो प के, ये तो प आधा है और इसके नीचे जो ये मात्रा है ये है री से ऋषि की मात्रा, तो ये पढ़ा जाएगा प्री, पी आर आई, प्री, ठीक है। थ पूरा और ग के नीचे हलंत, हलंत लगते ही वो अक्षर आधा बन जाता है। आधा अक्षर हमेशा पूरे के साथ उच्चारण होगा, तो पृथक भाव, व पूरा व में अमिक्स करना है, भाव। पहला चरण वापस देखेंगे, यदा भूत पृथक भाव। दूसरा चरण में क पूरा और आधा स, आधे अक्षर को पूरे के साथ मेकस, थ पूरा है, थ में अमिक्स करना है, थ मेकस, थ। मनु, म पूरा और नु की मात्रा छोटी। मात्राएं जब भी छोटी होती है तो आपको क्या करना होता है कि उसको पहले अक्षर के साथ पढ़ लेंगे ना, तो आपकी मात्रा छोटी रहेगी, नहीं तो आप अलग करके पढ़ते हैं तो कभी कभी मात्रा बड़ी होने का डर रहता है। बड़ी होने का डर मतलब कि कई बार वो आपके उच्चारण में अधिक समय ले लेती है, तो आपको पढ़ना है मनो। प पूरा आधा श, पश, यति। दूसरा चरण वापस, मेकस्थ मनु पश्यति। पहला और दूसरा चरण साथ में, यदा भूत पृथक भाव मेकस्थ मनु पश्यति। तीसरा चरण त पूरा और दूसरा त भी पूरा, त त दोनों में आपको अ मिक्स करना है, त त ए व में अ मिक्स करना, ए व, च पूरा च में अ मिक्स करना, च, वी पूरा आधा स, विस्तारम, विस्तारम शब्द पूरा होने के बाद लास्ट वाले अक्षर पद अनुस्वार, विस्तारम। तीसरा चरण वापस, तता एव च विस्तारम। चौथा चरण ब्र, ब्र कैसे लिखा जाएगा राइट साइड देखेंगे। ब्र का अर्थ हुआ ब आधा है, ब के नीचे हलंत दिख रहा है, ब आधा है और ब के पास जो ये वाली मात्रा लगा रखी ये होती है पूरा र, तो इसको पढ़ा जाएगा ब्र, ब्र पूरा। अब ह के अंदर देखेंगे, ह आधा है इसीलिए आधे अक्षर को पूरे के साथ में लिखा हुआ है। आप सोचेंगे आधा कैसे है, हाथों में ह दिख रहे हैं, देखिए ह के नीचे हलंत नहीं लगाया जाता है, ह आधा ऐसे लिखा जाता है और ह जब पूरा होता है तब उसके अंदर ये वाली चीज लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अंदर मुड़ाम नहीं है, मतलब ह आधा है, तो इसलिए आधा है ब्रह और म पूरा, म में अमिक्स क्या ब्रह्म। ये कैसे बना है इधर देखेंगे, इसमें ह आधा है और म पूरा दिख ही रहा है आपको, लिखा हुआ म पूरा है इसलिए म आ गया पूरा, ठीक है। ब्रह्म सम, स पूरा म आधा, सम, प पूरा द पद, य पूरा, य में अमिक्स किया यते, देखिए आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ा इसलिए सम पद यते, त में अमिक्स करना तदा। चौथा चरण ब्रह्म सम पद यते तदा। तीसरा और चौथा चरण साथ में करेंगे, तत एव च विस्तारम ब्रह्म सम पद यते तदा। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ सभी को करना है, यदा भूत पृथक भाव मेकस्थ मनु पश्यति तता एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। पूरे श्लोक का उच्चारण एक बार वापस, यदा भूत पृथक भाव मेकस्थ मनु पश्यति तत एव च विस्तारम
ब्रह्म संपत यति तदा। अब इस श्लोक का अर्थ, यदा, यदा यानी जब, जिस समय में, भूत प्राणियों के लिए शब्द होता है पृथक भाव, जब प्राणियों के पृथक यानी अलग अलग, जहां पर जिस समय में भूत यानी प्राणियों के अलग अलग भावों को मेकस्थ, मामे क्या जुड़ा हुआ है ए, एकस्थ मतलब एक, एकस्थम, देखिए म पूरा कब बनाता है जब म में अ मिक्स किया था राइट, तो अनुपश्यति अलग कर दे और एकस्थम अलग कर दे, एकस्थम यानी एक में ही और अनुपश्यति यानी देखता है, कहने का तात्पर्य हुआ जिस समय में प्राणियों के अलग अलग भावों को एक में ही स्थित हुआ देखता है। अब वो एक कौन, प्रकृति, ठीक है, क्योंकि हमने पिछले श्लोक में देखा था प्रकृति के बारे में बात हुई थी, तता इव उसको ही, तता यानी प्रकृति को ही, एव यानी ही, च इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या है विस्तारम, और उसको ही विस्तार करने वाला जानता है, मतलब एक प्राणियों के जो अलग अलग भाव हैं वो सब भी किसके अंदर स्थित है प्रकृति के अंदर, और उसी के द्वारा क्या हो रहा है विस्तार हो रहा है। ब्रह्म संपत यते तदा, तदा यानी यदा का, यदा था जिस समय में, तो तदा उस समय में ही उसे ब्रह्म की संपद यते यानी उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। वापस से श्लोक का अर्थ देखेंगे कि जिस समय में प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में स्थित हुआ देखता है और उसको ही विस्तार करने वाला बढ़ाने वाला देखता है, उसे उस समय में ही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। नारायण 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 नारायण।